हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम इलाज करेंगे एचआईवी एड्स का। देखो दोस्तों, अगर किसी को पता लगता है टेस्ट करने के बाद कि उसे एचआईवी पॉजिटिव है या वह लास्ट स्टेज एड्स की है, जहां डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया है कि भाई अब तो संभव ही नहीं, ऊपर का रास्ता देख ले, तो उस समय कौन सा सिस्टम आपके लिए बेस्ट रहेगा? नेचुरोपैथी में हर चीज का इलाज है, सिर्फ एक ट्रस्ट, एक विश्वास के साथ उसको फॉलो करना होता है। तो आइए हम देखते हैं, 30 डेज के लिए आपने ये इस्तेमाल करना है। नॉलेज हैज नो एंड पॉइंट, थिंक पॉजिटिव ऑल टाइम। देखिए, एक व्यक्ति था जिसको 6 पिस्तौल की गोलियां लगी, तथा एक व्यक्ति था जिसको एक गोली लगी है। दोनों ही ऑपरेशन थिएटर में हैं। जिसको 6 गोलियां लगी थी, वो मन में यही सोच रहा था पॉजिटिव कि मुझे जीना है, हर हालत में जीना है। जिसको 1 गोली लगी थी, वो इतना डर गया लाइफ में, इतना डर गया कि वो तो पहले वो सत हो गया, और जिसके 6 गोलियां लगी थी उसको बचा लिया गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, मेजर ऑपरेशन किया, उसको बचा लिया। इससे यही सिद्ध होता है कि हमें ऑल टाइम पॉजिटिव रहना चाहिए। नॉलेज का कोई एंड पॉइंट नहीं है। मींस अगर कोई डॉक्टर कहते हैं आपका इलाज संभव नहीं है, आपको एचआईवी एड्स हो गया है, आपके अंदर इतने वायरस आ गए हैं जो उनसे हमारी इम्यून सिस्टम फाइट करती है, वो खत्म हो गई है, फाइटर एनिमी के वायरस हमारे शरीर में ज्यादा हो गए हैं, उस टाइम अपनी पॉजिटिव शक्ति को आगे लेके आना है। आप एक आत्मा हो, आप सब कुछ कर सकते हो। जहां तक नॉलेज है, अभी संभव नहीं, बट इन्वेंशंस हो रही हैं। कभी संभव था कि हवाई जहाज में कोई उड़ सकेगा, कभी संभव था कि ट्रेन चलेंगी, लाइट होगी, कैमरा होगा। तो नॉलेज हैज नो एंड पॉइंट। आज एड्स का इलाज नहीं है तो ये डॉक्टर कह रहे हैं, बट ये एंड पॉइंट नहीं है। इसलिए नेचुरोपैथी में कम आइए आप, इसमें 100% इलाज है। तो हमेशा ही पॉजिटिव थिंकिंग के, यस इसका इलाज संभव है, जब यह मानोगे, यह सोचोगे, तो हम आपके लिए इलाज लेके आए हैं। जब आपने यह सोचना ही नहीं, आपने पॉजिटिव रहना ही नहीं, तो इलाज तो होगा ही नहीं। तो 30 दिनों के लिए सिर्फ पॉजिटिव रहें, यस मुझे इस चीज को फॉलो करना है और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। जो हमारे इम्यून सिस्टम के ब्लड सेल हैं, जो फाइटर्स हैं, वो हिम्मत हार रही हैं। आपने खुद उनकी सपोर्ट करनी है, खुद उनको प्रोत्साहित करना है, यस हिम्मत नहीं छोड़नी, नेवर गिव अप। तो आइए, लिव टुडे लाइफ टुडे, स्टॉप द डोर्स ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर। भूतकाल में जो गलतियां की है, आपने टेस्ट किया, आपको एचआईवी एड्स है, जो गलतियां की, कैसे हुआ, उसके बारे में दिमाग लगाना बंद कर दीजिए। फैक्ट्स है, हो गया, दरवाजा है, उसको बंद भी तो कर सकते हो आप। जस्ट आप घर से बाहर जाते हो, आपका सामान अंदर पड़ा है, अपना लॉक लगा देते हो, आपको पता है कि मेरा अंदर सामान है, कोई उठा ले जाएगा, बट यहां तो चोर आने हैं। आप अपने घर को ताला लगा दीजिए। जो जितनी बार आप उन फैक्ट्स को याद करते हो, उतनी बार आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो जाता है, उतनी बार जो पहले ही चोटें खाया हुआ है आपका इम्यून सिस्टम ब्लड में, उसको और चोट क्यों डालते हो आप? आपके खून की एक एक बूंद बहुत दुखी होती है, बहुत कमजोर हो जाती है, जब आप पास्ट के फैक्ट्स या फ्यूचर की टेंशन लेना स्टार्ट करते हो। दिन आज के लिए है, हर इंसान आज की जिंदगी जी रहा है, वेदर आपको एचआईवी एड्स है या नहीं, हर बंदा आज की जिंदगी जी रहा है। क्या मैं अपनी जिंदगी में एक ठप्पा लगा के आया हूं कि कल की जिंदगी जीऊंगा? जब मुझे नहीं पता फ्यूचर की, तो मैं उसकी टेंशन क्यों लूं? जो बीत गया सो बीत गया, जिंदगी है आज की।
आज आपने जीना है 30 दिन के लिए, हमेशा इस पल को जीना है। नहीं सोचना हमने पास्ट के बारे में, नहीं सोचना हमने फ्यूचर के बारे में, यही आपका इलाज है, बेस्ट इलाज है। दरवाजे बंद कर दीजिए, क्योंकि पास्ट में भी डाकू है, फ्यूचर में भी डाकू है, वो आपको कमजोर कर रहे हैं। आपने मजबूती देनी है, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूती देनी है, तो यही इलाज है, इसको 30 दिन में फॉलो करनी है। लिव, जीना है, टुडे लाइफ टुडे, आज की जिंदगी आज जीनी है। स्टॉप द डोर ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर, बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी पास्ट को आपने याद नहीं करना, ना फ्यूचर की कोई टेंशन लेनी है। नेक्स्ट, स्पीक प्लस लिसन ओम 20 किलोमीटर वॉकिंग पर डे, 20 किलोमीटर आपने चलना है। एक एक स्टेप जो आप चलते हो उससे आपका इम्यून सिस्टम की शक्ति इंक्रीज हो जाती है, आपके अंदर एक ऐसा फाइटर पैदा हो जाता है जब आप पैदल चलते हो, अगर इसके साथ ओम की शक्ति मिल जाए। ओम जाप ऐसा है जो हमारे ब्रेन को स्टेबिलिटी देता है, पीस देता है, शांति देता है। मैं बोलता हूं ओम, ये श्वास लिया, ऑक्सीजन अंदर आई, इसने एक नया फाइटर पैदा करना है। पैदल चलोगे पसीना आएगा, उससे जितने भी वायरस हैं वो खत्म होते जाएंगे जाएंगे जाएंगे, तो HIV एड्स कभी रह नहीं सकता। आप देखते हो कि यह हवा के मेल में आते ही खत्म हो जाता है, जब आपके अंदर वो ऑक्सीजन जाएगी जो बाहर वाली ऑक्सीजन है उनको खत्म कर देगी। तो बहुत अच्छा सा फार्मूला है, अगर आपके पास सुनने वाला है तो बहुत सारे YouTube में वीडियोस हैं ओम के, उनको सुनिए, लगाइए। ये 24 घंटे चलना चाहिए, ओके। इसके साथ आप सुन सकते हो मोबाइल में एप्स या वीडियोस डाउनलोड करके, YouTube का वीडियो सेव कर सकते हो आप। तो ओम का जाप चलना चाहिए, क्योंकि वो सुप्रीम शक्ति है। जितना श्वास अंदर लोगे या श्वास जो प्रदूषित है बाहर निकालोगे, देखो मैं एक बार श्वास लेता हूं, ओ जितना भी पोल्यूटेड श्वास था जिसमें वायरस थे बेअंत, वो सब बाहर निकल गए, शुद्ध ऑक्सीजन ज्यादा आती है। तो यह है इसका साइंटिफिक लॉजिक है। टोटली आपका ब्रेन पीस ऑफ माइंड हो जाएगा, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। साथ में आप पैदल चल रहे हो, जितना पैदल चलोगे, चलते जाओगे, आपके जितना भी इम्यून सिस्टम कमजोर था, फाइटर्स मजबूत होंगे, फाइट करेंगे वायरस के साथ, वायरस को मार देंगे, आपकी यह बीमारी खत्म हो जाएगी। स्टॉप नॉन वेज, एग्स, टी, शुगर, स्वीट, ऑयली, सॉल्टी फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, जितने भी मांस मच्छी अंडा है वो नहीं खाना, अंडे नहीं खाने, चाय नहीं पीनी, शुगर वाला सामान नहीं खाना, ऑयली फूड नहीं खाना, साल्टी फूड नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं करना, ये जितना भी सामान है यह जो है आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आपको जो चाहिए वो लेना है अपने बेस्ट, ठीक। बेस्ट क्या है आपके लिए, ईट फ्रूट्स, ड्रिंक्स नॉर्मल वाटर जितना ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाइए, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा। कोई आदमी एड्स से नहीं मरता, बल्कि आपके अंदर किसी भी बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। मींस खांसी आई तो वो बंद नहीं हो रही, फ्रूट्स खाइए खत्म हो जाएगी। जुकाम आया वो ठीक नहीं हो रहा, बुखार आया ठीक नहीं हो रहा, तो उस चीज के लिए हमारे लिए बेस्ट है फ्रूट्स। फ्रूट्स के ऊपर अपना जीवन बिताइए, पैदल चलते जाइए 20 किलोमीटर डेली, और साथ में फ्रूट्स खाइए, नॉर्मल ड्रिंक्स वाटर पीजिए। स्टार्ट बॉडी वेट स्ट्रेंथ एक्सरसाइज। देखो हमेशा जो विचार होते हैं उससे जिंदगी बनती है, महात्मा बुद्ध जी ने कहा है, जो तुम सोचोगे वो बन जाओगे, जो तुम सोचोगे वही तुम करोगे, जो तुम सोचोगे वही आपका फ्यूचर है। अगर आज आपने
यह विचार लेके आया, मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, ये बीमारी तो ठीक नहीं हो रही, नहीं हो रही, तो मरने से पहले भी आप राम नाम सत्य हो जाओगे, तो उससे अच्छा ये है आप ये क्यों नहीं सोचते मैं मजबूत हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज करूंगा, मैं बॉडी वेट एक्सरसाइज करूंगा। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, पुशअप लगाइए, बॉडी वेट पुलअप लगाइए, इसके अलावा दंड बैठकें लगाइए, बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप नेट पे सर्च कर सकते हो, वो चीजें आपको शक्ति देंगी, क्योंकि उसका नाम है स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, जो आपके शरीर को स्ट्रेंथ दे। जितने शरीर में स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतने आपका इम्यून सिस्टम ज्यादा होगा। इम्यून सिस्टम क्या होता है, अंगूठे से लेकर सिर तक जितना भी बॉडी बना है वो सेल है, सेल से बना है, जिसमें खून है, किडनियां, लीवर है, हार्ट है, हर चीज में एक फाइटर बैठा है, इनविजिबल फाइटर है। जहां भी इंफेक्शन होगा, शरीर के किसी कोने में होगा इंफेक्शन, वो उससे फाइट करता है, उसको शक्ति चाहिए, उस शक्ति का नाम है इम्यून सिस्टम। तो वो जब कमजोर होगा आपके विचारों से, आपकी थिंकिंग से, तो आप उससे फाइट नहीं कर सकते वर्ड से। इसलिए हमें बॉडी बॉडी वेट स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे आपको हैप्पीनेस इंक्रीज होगा, शक्ति इंक्रीज होगी, आपका HIV एड्स खत्म होगा, आप एक नॉर्मल जिंदगी जी सकती हो। स्टॉप टू वॉच टीवी मूवीज, टीवी शोज, न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव रिमाइंडर्स। तो ये सारी चीजें आपने बंद कर देनी है, क्योंकि यह कंज्यूम है, ठीक है, ये नेगेटिविटी को हम कंज्यूम करते हैं, जितनी नेगेटिविटी इनसे आती है उतनी किसी भी चीज से नहीं आती। इसलिए कोशिश यही कीजिए जो चीजें आपको नेगेटिव करें उनको स्टॉप कर दीजिए, और फॉलो ब्रह्मचार्य के नियम है, योग में भी आता है, यम उसमें है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचार्य। तो योग के पहले नियम के चौथे भाग में बहुत क्लियर दिया हुआ है, कोई भी बुक्स लेकर आप स्टडी कर सकते हो। जितना हम ब्रह्मचार्य को फॉलो करेंगे हमारी आत्मिक शक्ति की इंक्रीमेंट होगी, हमारी मन की शक्ति इंक्रीज होंगी, हमारी शारीरिक शक्ति इंक्रीज होंगी। तो यह तो एक छोटी सी बीमारी है, दुनिया की भयंकर बीमारियां भी लग जाए तब भी आप उनके साथ फाइट कर सकते हो। बहुत सारे बुक्स हैं जिसमें इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है, तो इसको आप फॉलो कीजिए। ये 8 चीजें हैं, 30 दिन तक इनको फॉलो कीजिए, आपको इस बीमारी से निजात मिलेगा। तथा किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो मुझे कॉल कीजिए, मेरा मोबाइल नंबर है 93582-34925, और ईमेल है vinod@svtution.org, तथा मेरा नाम है डॉक्टर विनोद। तथा पिछले 15 सालों से मैं नेचुरोपैथी से जितने भी समस्याएं हैं, जितने भी बीमारियां हैं, उसका बिना किसी दवाई से इलाज करता हूं। ओके, थैंक यू, थैंक यू।